हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल छाया मिश्रा में। गाइस चलिए देखिए ये यम्मी टेस्टी नवरात्र स्पेशल आलू का हलवा। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा, तो वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। बहुत टेस्टी और बहुत इजी ढंग से बना हुआ है, तो चलिए देखते हैं वीडियो। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का हलवा मीठा, जो कि नवरात्र व्रत में खा सकते हैं आप। तो ये हमने आलू ले लिए हैं, ये करीब हमारे आधा केजी आलू हैं, ठीक है। तो चलो ही बनाते हैं। ये देखिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए एकदम जल्दी से सिंपल से बनाते हैं। ये आलू का हलवा बहुत सिंपल होता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे घी, जो कि हम जमा हुआ घी है। तो देखिए हम सिर्फ 3 स्पून घी ले लेंगे। अगर आपका पिघला हुआ है तो आप 4 स्पून भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें घी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा लगती है, ठीक है। ये देखिए गाइस, हम अपना घी मेल्ट कर लेते हैं, हमारा मेल्ट हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे आलू, ठीक है। तो ये आलू इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए, इनको अच्छे से फ्राई करना है और देखिए इनको बॉयल कर लेना है। और बॉयल करने के बाद में हमें इसे अच्छे से फोड़ लेना है, जिससे कि बिल्कुल भी इसमें गांठे ना रह जाए, ठीक है। तो इनको फ्राई करना है। देखिए गाइस, इसको अच्छे से भूनना है। और एक बात, आप ज्यादातर आप अगर हो सके तो आप जो नॉनस्टिक पैन होते हैं उन्हें ही लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से सेक लेंगे। ये देखिए, आप लोग देख रहे होंगे कि हलवे ने घी सारा आलू ने सोक कर लिया है। तो इसको इतना भूनना है कि जो इसमें का जो घी है वो ये अपना छोड़ दे, ठीक है। फिर देखिए, लगभग लगभग 5 से 6 मिनट हमें इस आलू को फ्राई करना है। ये देखिए गाइस, लगभग हमारा आलू भून चुका है अच्छे से, और ये इसने पैन भी छोड़ दिया है। और ये देखिए घी कितना सारा ये आलू में, यहाँ पर देखिए ये देखिए घी भी निकलने लगा। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी, 150 ग्राम चीनी है, और इलायची के दाने 10 से 12 इलायची दाने। देखिए इलायची हमारी ठंडी होती है, ठीक है, तो जो आलू हमारे गर्म होते हैं और इलायची ठंडी होती है, तो इस वजह से इलायची जरूर डालें। आप चाहे पाउडर डालें इलायची का बना के, या फिर इलायची के दाने। अब हमें वो मीठा कोई भी हो तो उसमें खड़े इलायची के दाने भी अच्छे लगते हैं, इस वजह से हम दाने ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और देखिए ये इसको 1 सेकंड के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए सारा ये चीनी पिघलने लगी है, तो इसको ऐसे ही पिघलाएंगे और कुछ भी इसमें ऐड नहीं करेंगे। तो बनाते हैं इसको। देखिए तो आलू जब हम भून रहे थे तब हमारी फ्लेम हाई थी, हमने चीनी ऐड करी है तो इसमें फ्लेम थोड़ी सी लो कर दी है, जिससे कि अच्छे से चीनी हमारी पिघल जाए, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से चीनी को पिघलते हैं और बराबर ऐसे ही चलाते रहेंगे। एक बात और गाइस, अगर आप इसमें दूध डालना चाहते हैं तो आप चीनी जब डाली थी तभी हम दूध भी ऐड कर सकते हैं, और आप मलाई ऐड करना चाहें तो आप मलाई भी ऐड कर सकते हैं। हमने ये दोनों नहीं करे हुए हैं, स्किप कर दिए ये दोनों चीजें, तो आप ये ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम भूनते हैं, फिर मिलते हैं। अब इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी, सिर्फ 2 से 3 मिनट भूनना लगेगा। देखिए गाइस, चीनी हमारी पिघल चुकी है, तो इसको फिर से हम फ्लेम को थोड़ा सा हाई कर लेंगे, ठीक है, और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक ये हमारा हलवा ऑयल छोड़ ना दे, तब तक फ्राई करेंगे। लगभग 2 से 3 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। एक बात और आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है हमें, ठीक है। आज तो हम आलू का हलवा बता रहे हैं, आप प्लीज कमेंट में ये भी बताते जाइए कि आप लोगों को कौन सी रेसिपीज और देखनी है, तो हम आपके लिए वो रेसिपी भी ले जाएंगे, ठीक है। ये देखिए हमारा हलवा, देखिए गांठे अगर ऐसे हलवा बनाएंगे हम तो सब अच्छे से बनेगा, स्वाद भी नहीं आएगा आलू का। और अगर इसमें ऐसे जैसे ये देखिए कोई कोई एक आध आलू की गांठ लग रही है, उसको ऐसे फोड़ दें, अगर ये गांठ नहीं फोड़ेंगे ना तो उसमें फिर आलू का टेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आलू की जैसे कोई एक आध गांठ रह जाती है हलवे में तो आप उसको भी ऐसे करके फोड़ दें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से, देखिए हमने ये थोड़ा सा नारियल है ग्रेट कर लिया है, क्योंकि हमने घर में अपने हाथों से एक नारियल का लिया टुकड़ा और उसको ग्रेट कर लिया, ठीक है। तो अब इसको हम इसमें डालेंगे, सिर्फ नारियल डाला है, आप अपने जो मेवे डालना चाहें वो ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नारियल मैंने बचा लिया है,
गार्निश करने के लिए। तो ये देखिए इसको भी इसमें डाल के एक मिनट भून लेंगे। ये देखिए और बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है नारियल पड़ने से। तो ये तो चलिए इसको हम अब सर्व करते हैं। बन चुका हमारा हलवा टेस्टी। ये देखिए गाइस बन के रेडी है एकदम यम्मी टेस्टी आलू का हलवा। तो इस नवरात्र में ये स्पेशल रेसिपी आप खाइए और ये बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगता है क्योंकि इसको जितना अच्छा ये भुना होगा आलू हमारा उतना ही अच्छा हमारा इसका टेक्स्चर आएगा। और एक चीज गाइस आप कुछ टिप देंगे कि इसमें थोड़ा सा घी की मात्रा ज्यादा लगती है और बस और कुछ नहीं, बस इसको नॉन स्टिक पैन लें तो ज्यादा बेटर है, नहीं तो फिर आयरन का पैन भी ले सकते हैं आप। तो हमारी ये रेसिपी आपको अगर पसंद आई हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। रुकिए गाइस देखिए हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा जो कि हमने व्रत से रिलेटेड कई सारी रेसिपियां डाली हैं उसमें, तो वो भी आप चेकआउट करिएगा, बहुत 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 अच्छी रेसिपियां हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट रेसिपी का। थैंक यू, बाय बाय।